आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास कर उनके लिए जिनका भी एग्जाम आ रहा है, आपका एसएससी सीजीएल बोल लो या फिर आपका सीएचएसएल का, एनटीपीसी वाले भी, खास कर इसका पूरा पीडीएफ आप सभी डाउनलोड कर लेना A to Z। ठीक है, अच्छे से देखिएगा आप सभी, जो भी मेरे भाई बहन इस चीज को आप सभी देख रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं अच्छे से देखो। यहां पर जो भी पीडीएफ दे रहे हैं ना, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मतलब पक्का बनेगा, आप लिख कर ले लेना। देखो पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, पहले मैं आप सभी को यह बता दे रहा हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा पीडीएफ का लिंक लाइन बाय लाइन दिया गया, रट्टा मार लो, एग्जाम के दिन देखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, मतलब फंसेगा। डाउनलोड कर लीजिएगा सारा का सारा आप सभी पीडीएफ। ठीक है, और एक तरीका है पीडीएफ डाउनलोड करने का, आप क्या करिए ना, टेलीग्राम के ऊपर ना, टेलीग्राम अगर आपके फोन में है तो टेलीग्राम के अंदर आप सर्च मारिएगा क्या चीज, सक्सेस स्पेस देकर की 98। आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जहां पर 42,000 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया गया है, सभी कोई जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक क्या क्या दे रहा हूं, एक बार देखो। करेंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में मतलब एक क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है 7,000 प्लस क्वेश्चन का जो रिवीजन है मैं आप सभी को करवा रहा हूं। सभी को पता है रात को क्लास होता है 11:30 बजे, आप सभी को पता है। और ये क्लास बस आपका रिवीजन क्लास नहीं है, इसके अंदर मैं आप सभी को ना करेंट अफेयर के रिवीजन के साथ साथ हर एक टेक्निक बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। जैसे जितने भी कैपिटल हुआ आप सभी का, या फिर करेंसी हुआ, या फिर आपका गवर्नर हुआ, सीएम हुआ, या फिर पीएम हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, ये सब जो टॉपिक है ना ये आपको याद नहीं करना पड़ता है। अगर आप रात को 11:30 बजे वाला 15 से 20 क्लास भी देखे हैं ना, तो आप सभी बोलेंगे भैया ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना जिससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आता है वो हम सभी को ऑलरेडी याद हो गया है। मतलब इतना बार आप एक एक चीज के बारे में इतना बार बता दिए हैं कि हम लोगों के माइंड में जो है वो बैठ गया है। अगर मैं आप सभी से जो रात को 11:30 बजे क्लास देख रहे हैं, अगर मैं उनसे बोलूं एक बात बताइए स्पेन का मुद्रा क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वो आंख बंद कर बोलेंगे जीतू भैया बता चुके हैं यहाँ का मुद्रा यूरो होता है, राजधानी होता है यहाँ का मैड्रिड, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो सैंचेज। अब ये बात आता है भैया ये याद कैसे होगा, याद नहीं करना होता है। 1-2 महीने के करंट अफेयर में जो रात को 11:30 बजे आपका रिवीजन चल रहा है उसमें स्पेन के बारे में कम से कम तो 10 बार तो रिपीट करेगा ही करेगा। और 2 महीने में कितना क्वेश्चन कवर करवाता हूं, तो आप बोलेंगे भैया 800+ क्वेश्चन, 800+ क्वेश्चन में 10 बार तो इसके बारे में जिक्र होता है। तो आप 10 बार मेरे से सुन रहे हैं वो भी पूरे फुल एनर्जी के साथ, तो आपको ऑलरेडी याद हो रहा है। जितने भी टॉपिक है कैपिटल करेंसी आप किसी से पूछ लो वो बोल देंगे अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। तो ये सब टॉपिक तो आपको कंप्लीट करवा ही जा रहा है। अब देखो आप सभी को मैंने क्या क्या करवा दिया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये करंट अफेयर तो रिवीजन करवा दिए हैं, और इसका पीडीएफ भी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन। और हां सोमवार से जो है वो सीधा किसमें जाऊंगा, तो दिसंबर और उसके बाद जनवरी, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कम से कम क्वेश्चन आपका ना छूटे। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम था उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, एक जन बोला भैया 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का आया, 9 क्वेश्चन मैंने किया है, 1 क्वेश्चन मैंने छोड़कर आ गया हूं, अगर आपके रिवीजन में करता ना पीडीएफ तो वो भी मैं सही कर आता। और ये आप कमेंट्स देख लेना, कमेंट्स किया हुआ है नवंबर के मैंने वाले ही करंट अफेयर किसी वीडियो में, आप देख लेना प्लेलिस्ट में वो कमेंट्स मिल जाएगा। अब एग्जाम सीपीओ का भी जब एग्जाम बहुत जन देकर आ रहे थे ना, बोले भैया करंट अफेयर में सारा क्वेश्चन फंस रहा है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट सारा आपके पास है, सब कुछ है, बस मेहनत नहीं है। अब आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ सकता है, जाहिर सी बात है, गुस्सा क्यों आएगा, गुस्सा किसको आता है, जिनके अंदर कमी है वो बोलेंगे ज्ञान दे रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया, वो इनकम्प्लीट है,
वो तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनका जो है पूरा गुस्सा मेरे ऊपर निकल रहा है। अगर आप पूरा रिवीजन कर लेते, किया हुआ होता, तो आप बोलते बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया, गुस्सा नहीं, प्रेम से बोलते भैया। तो मैं बोल रहा हूं कमी आपके अंदर है और इस कमी को भी दूर किया जा सकता है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ लेना एक बार, और रात को 11:30 बजे खास कर करना, जो अंतिम के 2 महीने का रेंट अफेयर है, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 11:30 बजे टाइमिंग याद रखिएगा, 2 महीने करंट अफेयर वो भी कवर करवा दूंगा खास कर। और देखिए ये तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बजट से एग्जाम में क्वेश्चन ना लिख कर ले लो, आपका बनेगा। इसका पूरा पीडीएफ दे दिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो मैंने 450 प्लस पीडीएफ दिया है, और वो क्वेश्चन जो बार बार पिछले 20 साल में एग्जामिनर आप सभी से पूछता है, तो उसका पीडीएफ भी आप सभी डाउनलोड कर लेना। बस उतना पढ़कर जाना पॉलिटी और संविधान को लेकर, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। ये पीडीएफ का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे। प्लस जीएस का 2 पार्ट का वीडियो दिए हैं मैंने, शायद यहां पर 1500 प्लस क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर रट्टा मार लेना आप सभी। प्लस जीके जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसका भी 1500 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ दिए 2 पार्ट में, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड कर रट्टा मारना स्टार्ट करो आप सभी। ये आप अगर डेली ना, अगर डेली 100-150 क्वेश्चन पढ़ रहे ना, तो आराम से 20 से 25 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगर डेली, अगर आप सोचते नहीं अभी भी अगर लेजी करेंगे तो एग्जाम के टाइम वही करना पड़ेगा जो अधिकतर डरे हुए बच्चे जिनका तैयारी अच्छा नहीं होता वो करते हैं। क्या करते हैं वो, एक्चुअल तैयारी तो वो अच्छे से किए नहीं, टाइम का फायदा वो सही मायने में अच्छे से उठाए नहीं, तो वो क्या करेंगे, फटाफट एक टीचर मिलेगा 500 क्वेश्चन लेकर आएगा, और उनको पता है टारगेट उनको करना है जो डरे हुए जिनका एग्जाम नहीं निकलेगा। डरे हुए को और डराओ, उनको फंसाओ, और आप उनके जाल में फंसेंगे क्योंकि आप डरे हुए हैं, आपने टाइम का सही से यूटिलाइज नहीं किया। आपको बोलेगा ये 500 क्वेश्चन पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है अपने मन में, आया तो सही बात, बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आपका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ये आपसे बोल रहा है क्योंकि पेपर वो सेट नहीं किया है। अब आपको बोल रहा है जुआ खेलने के लिए, जुआ देखे ना ताश में, जुआ खेलने के लिए बोल रहा है। आप सोच लो आपको क्या करना है, उस टीचर के जाल में फंसना है कि पूरा करना है। और मैं हमेशा बोला हूं एक बार क्लास देखो, पीडीएफ अपडेट करते हैं, रिवीजन करो, उसके बाद उस पीडीएफ को खोलने का भी जरूरत आपको नहीं है। दोबारा जब एग्जाम में बैठेंगे ना, जब 4 ऑप्शन आएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा तो मेरा आवाज, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, वो आवाज आपके माइंड में गूंजेगा और आप सही मार्कर आएंगे, ठीक है। प्लस आज शाम को 6 बजे ना एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और सारे टॉपिक जो बच गए वो भी मैं आप सभी को करवा दे रहा हूं। क्या क्या टॉपिक है जो मैं आप सभी को पिछले आने वाले 20 दिन में कराऊंगा, जो ना रामबाण है, जो आपका रामबाण है, वो टॉपिक आपको करना मतलब करना है, बहुत मेहनत कर करना, रात भर जग कर, पिछले 7 दिन से मैंने रेडी कर रहा हूं ये क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर मैं क्लास ये नहीं दूंगा ना तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं जिनके पास पैसा नहीं है, जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा सकते, कम से कम उन लोगों को ये टॉपिक करवा दूं, और यही टॉपिक आपको ना 2000-3000 रुपए देकर आपको दिया जाएगा। पर्सनली रेडी किया हुआ क्वेश्चन है सारा, आप शाम को 6 बजे ना मेरे साथ जुड़िएगा, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या टॉपिक आपको मैं कराऊंगा, कब टाइमिंग होगा। आप बोलेंगे भैया दिल से थैंक यू भैया, आप इतना करवा दे रहे हैं एग्जाम से पहले, और वो टॉपिक जो एग्जाम में क्वेश्चन भैया लिख कर ले लो, बनेगा मतलब बनेगा। शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड़िएगा, स्पेशल अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। लेकिन आप कम से कम ना ये सारा पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली 100-100 क्वेश्चन भी अगर पढ़ते हैं, अब तो ऐसा टाइम आ गया है एग्जाम से 20 दिन पहले कि आपको जगना पड़े ना, रात भर तो जगिएगा, क्योंकि अगर आज 15 दिन जग गए, अगर 15 दिन अगर आपने जान लगा दिया
तो बाकी बचे हुए जीवन के दिन जो है ना वो सुखी से कटेगा। अगर ये 15 दिन भी लापरवाही कर दिए बाकी दिनों की तरफ, फिर तो साल क्या साल साल बीतता चला जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं लास्ट में सारी दुनिया को गलती देते रह जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप बहुत मजबूर इंसान हो जाएंगे, और उस वक्त जब अकेले में बैठेंगे ना, आपको एक एक अपना गलती याद आएगा, और आप बस अपने आप से यही बोलेंगे, एक टीचर था पागल सक्सेस की 98 पर जो हमको बता रहा था, लेकिन उस समय ना उसकी बातें मुझे बेकार लग रही थी। सारा दुनिया में अंदर, सारी दुनिया के अंदर मैं गलती ढूंढता रह गया, लेकिन गलती सही मेरे अंदर था। होता है, ये होता है। तो ये चीज आप फील ना कर पाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी को करो। और अभी 20 दिन पहले ना रीजनिंग मैथ को लेकर भी प्लानिंग बहुत अच्छा की है, आप सभी के लिए स्पेशल सब बताऊंगा। कृपया रिक्वेस्ट कर रहा है, रट लेना ये क्वेश्चन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसको बोलते हैं, कोई टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसको बोलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, ये क्वेश्चन को बोलते हैं हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैंने आप सभी को जीके जीएस में कराया जो बार बार रिपीट हुआ है, उसी का पीडीएफ दिए, रट लेना। अगर आप सभी से अभी मैं पूछूं संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलेंगे भैया ये तो पढ़े ही नहीं है, जबकि जितना भी संविधान क्वेश्चन करवाएं वो सारे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में एक दो बार नहीं, 10-10 बार 20-20 बार आया है, अलग अलग स्टेट लेवल में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में। आप बोलेंगे पढ़े नहीं, अगर आप पढ़े होते तो क्लियर बोलते भैया 1946 में ना सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था आप सभी का संविधान सभा का। ये पढ़ेंगे ना, ये आप सभी पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा, पढ़ो यही मौका है, वरना आप बोलेंगे भैया टाइम निकल गया। और एक बात याद रखना आप सभी एक बात याद रखना, अपने मम्मी पापा के लिए कम से कम पढ़ना है, क्योंकि हर एक लड़का हर एक बच्चा अपने माँ बाप के लिए बहुत अनमोल है। लेकिन ये सिद्ध आपको करना पड़ेगा कि हाँ मम्मी और पापा आपका बेटा ही अनमोल है, इस चीज को सिद्ध करना ये आपके ऊपर, ये प्रूफ करना पड़ेगा। और ये प्रूफ आप कब कर पाएंगे, जब आप ध्यान से पढ़ोगे, कंटेंट सारा दे दिए। एग्जाम के दिन बीच में आऊंगा, बताऊंगा क्वेश्चन कितना फंसा है। करंट अफेयर में तो गारंटी बोल सकते हैं, जितना टीचर पढ़ा रहे बेवकूफ बना रहे हैं ना, एग्जाम के दिन मिलेंगे। सीपीओ भी एग्जाम हुआ उत्तराखंड का, अभी जितने भी रिव्यू मिले हैं मुझे, देखें करंट अफेयर क्वेश्चन कितना फंस रहा है। और एसएससी का एग्जाम के दिन भी आऊंगा, बताऊंगा कितना क्वेश्चन करंट अफेयर का फंसा है मेरा, याद रखिएगा मेरी बात। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, और आज शाम को 6 बजे आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं कि खास आप सभी के लिए क्या है, मेरे तरफ से रात 7 दिन से नींद खराब कर आप सभी के लिए स्पेशल नोट बना रहे हैं, ताकि आप सभी वो चीज पढ़कर जाना ही जाना है किसी भी कीमत में। ठीक है, चलो।